वेलकम टू एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल, दिस इज़ प्रदीप। आज की वीडियो हमारी क्लास एट्थ मैथमेटिक्स की चैप्टर फर्स्ट रैशनल नंबर। ओके, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़ फाइंड। आपको प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए फाइंड करना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये फर्स्ट का सेकेंड पार्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके सॉल्यूशंस में दिए हैं, ठीक है, मैं उसी को एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है, -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। तो आप देखोगे यहाँ पे एक ये टर्म्स है और एक ये टर्म्स है जहाँ मल्टीप्लाई का निशान है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों टर्म्स को एक साथ लिखेंगे। किस तरीके से, ये देखिए हमने क्या करा, दोनों टर्म्स को एक साथ लिखा। माइनस का टू बाई थ्री एंड इंटू में 3/5, ये वाला टर्म सेम उतारा। उसके बाद ये जो पीछे वाला टर्म्स है हमने इसको उतारा है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए लिखा हुआ है 3/5 इंटू 1/6, और जो बीच में आपका ये 5/2 था इसको हमने लास्ट में लिख दिया। ओके, अब उसके बाद क्या होगा, इस वाले टर्म में से इस वाले टर्म में से आप देखोगे क्या 3/5 और 3/5 कॉमन आ रहा है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, जब दो टर्म्स हो और दोनों में कुछ कॉमन आता है तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। इसमें हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे जो संख्या कॉमन आ रही है। तो हमने देखा यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, आपका 2/3/5 कॉमन आ रहा है। इसमें से हमने 3/5 कॉमन ले लिया, तो जब 3/5 यहाँ से चला जाएगा तो माइनस का 2/3 बचेगा, ठीक है। यहाँ देखो माइनस का 2/3, और यहाँ से 3/5 जाएगा तो बचेगा माइनस का 1/6, ये 1/6 आ गया। 3/5 माइनस 2/3 और माइनस 1/6, इसको हमने ब्रैकेट में क्लोज करा है, प्लस में 5/2 ऐसा का ऐसा ही कॉपी करा। 3/5 सेम उतारा। अब उसके बाद इसको आप सॉल्व करोगे एलसीएम लेके, 3 और 6 का एलसीएम लेंगे 6 आएगा। 3 का टेबल पढ़ेंगे कितनी बार पे 6 आता है, 2 बार पे, तो 2 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे -4, ठीक है। और 6 के डिवाइड करेंगे 6 से 1 आएगा, 1 की 1 में करेंगे -1, तो हो जाएगा -5/6। ओके, तो देखेंगे आप उसी तरीके से -5/6 ये लिखा हुआ है, ठीक है। 3/5 कॉमन लिया था और इसको सॉल्व करके माइनस का 5/6 आया, प्लस में 5/2, ठीक है। अब आगे आप देखेंगे कि इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, कैसे, क्या बचा आपका 3/5 इंटू माइनस का 5/6 प्लस 5/2। 5 से 5 कैंसिल, 3 से काटेंगे 6 को, 2 आएगा, यानी माइनस के 1/2 और प्लस के 5/2। ओके, अब इसका एलसीएम लेंगे 2 ही आएगा, ऊपर -1 + 5, एक माइनस का एक प्लस का क्या होगा, घट जाएंगे और आपका बचेगा 4/2 को डिवाइड करोगे, आंसर आया 2। ओके, तो ये फर्स्ट हुआ। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट आपको दे रखा है, ये रहा क्वेश्चन, 2/5 इंटू माइनस का 3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 2/5। अब यहाँ भी आप देखेंगे कि 2/5 और 2/5 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। ओके, तो फिर यहाँ पे कौन सी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी। अब इसमें हम क्या करेंगे, 2/5 कॉमन ले लेंगे, 2/5 कॉमन ले लिया, बचा माइनस के 3/7 प्लस 1/14 -1/4। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे बाय द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसका एलसीएम लेंगे, या तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, -3/7 है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा -6/14। यहाँ पे भी 14 है, यहाँ पे भी 14 है, तो यानी कि -6 + 1/14 -1/4। माइनस का 6 प्लस का 1 घट जाएगा, 5 बचेगा। 2/5 कॉपी करा, -5/14 और -1/4 का सेम। अब आप देखेंगे क्या हो रहा है, इसमें से कैंसिल भी हो रहा है। आप देखेंगे 2 से 14 को काटेंगे 7 आएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1/7 बचेगा और -1/4, तो ये आपका 1/7 -1/4। एलसीएम लेंगे 28 आएगा,
क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं यहाँ पे, माइनस फोर माइनस सेवन माइनस इलेवन बाई 28। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया है आपका, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, एडिटिव इनवर्स निकालना है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, दोनों संख्याओं को ऐड करके ज़ीरो आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, जितनी भी ये संख्या दी है सबके साइन चेंज करेंगे बस, और कुछ नहीं करना है। ओके, जैसे क्या है आपको मैं आगे दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या लिखा है, 2/8, इसका एडिटिव इन्वर्स करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 2/8, क्योंकि आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो जीरो आ जाएगा, 2 - 2 = 0/8। ठीक है, इसी तरीके से एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है, आपका साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ था माइनस के 5/9, तो क्या होगा, माइनस के 5/9 था, इसमें एक और माइनस लगा देंगे, प्लस हो जाएगा, साइन चेंज। अच्छा, आप देखिए माइनस का 6/5 था और नीचे भी माइनस था, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। उसके बाद अब हम साइन चेंज करेंगे, इसका साइन चेंज करेंगे तो माइनस का 6/5। ओके, इस तरीके से आपके कंप्लीट होते हैं सारे क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, इसमें आपको बोला है वेरीफाई द वैल्यू -x - x = x, इट मीन -x = x प्रूफ करना है। आपको x की वैल्यू क्या दी है, 11/15। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस x की वैल्यू को जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पुट करोगे। ठीक है, किस तरीके से, देखिए जैसा आपका दिया था ना, क्या x की वैल्यू दी थी माइनस के 11/15। ठीक है, आपको पुट करना था कहाँ पे, -x = x, तो यहाँ माइनस का माइनस रहेगा और यहाँ माइनस रहेगा, x की वैल्यू 11/15 पुट करी हमने और यहाँ पे भी 11/15 पुट करी है। ठीक है, अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा क्या, 11/15 और 11/15, यानी कि आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आपका आ गया है। ठीक है, ये कैसे आया, इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 11/15 बचा, राइट हैंड पे भी 11/15 था। जब दोनों आपके LHS इज इक्वल टू RHS आता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो आ गया हैंड्स प्रूफ्ड। सेम एज आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी करना था, क्या करेंगे, जहाँ x है वहाँ पे माइनस के 13/17 पुट करेंगे और दोनों आपका बराबर आ जाएगा। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द मल्टीप्लेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। इसमें मल्टीपल इनवर्स निकालना है। मल्टीपल इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको रिवर्स भी करते हैं और साथ में साइन चेंज करते हैं। ठीक है, किस तरीके से, जैसे आपको दिया था, ये देखिए माइनस का 13 लिखा था, तो इसका हम पहले क्या करेंगे, मल्टीपल इनवर्स करेंगे, तो इसको अपॉन में 1 लगा सकते हैं किसी भी संख्या के। अब जब इसका इनवर्स करेंगे तो इनवर्स का मतलब होता है नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे, रेसिप्रोकल टाइप का, तो हो जाएगा -1/13। ठीक है, इनवर्स कर देना है, सिर्फ चेंज कर देना है। नेक्स्ट है -13/19, जब इसका करेंगे तो माइनस तो ऊपर ही रहता है, 19 ऊपर आ जाएगा और 13 नीचे आ जाएगा। ओके, इस तरीके से आप इसके सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए इसका थर्ड भी ऐसा ही है, 1/5 था, तो इसका क्या हो जाएगा, 5/1, नीचे 1 की वैल्यू नहीं होती, तो डायरेक्ट आप 5 लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे तुरंत कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, मैं आपको उसको क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर द मल्टीप्लिकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन जो यूज़ हुआ है उसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो हम प्रॉपर्टी का नाम लिखते जाएंगे। जैसे पहला आपको दिख रहा है -4/5 × 1 = 1/5, तो देखिए यहाँ प्रोडक्ट है और 1 1 है, दोनों नंबर सेम है, ये वाले नंबर भी ये वाले नंबर सेम है, तो ये आपका कौन सा है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सेकंड वाले में देखोगे आप, दोनों सेम है संख्या पर आगे पीछे है, ये इधर है और ये इधर है, तो ये हो गया कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। अब ये इनवर्स नंबर है, माइनस का 19/29 × -29/19 कैंसिल हो जाएगा, ये इससे ये कट जाएगा, 1 आएगा, तो ये कौन सा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी।
ध्यान से देखिए आप, इसका इन्वर्स ही ये लिखा गया है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्वेश्चन में क्या मेंशन किया गया है? क्वेश्चन 6 कहता है मल्टीप्लाई 6/13, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 16 ऊपर आएगा, 7 नीचे आएगा, माइनस यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। अब इसको आप क्या करोगे, कोई कैंसिल तो नंबर हो ही नहीं रहा, 16 6 96 और 13 7 91, माइनस का माइनस, डन आंसर। ओके, आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू कैन 1/3 इंटू 6 × 4/3 एज 1/6 × 3। अब ध्यान से देखिए, ये एक ए है, ये बी है, ये सी है, आगे क्या लिखा है, ए इंटू बी और बाहर सी। इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी हुई क्या हुआ, जब हम ये तीन मल्टीपल में दिए हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, पहला आखिरी का करते हैं, लास्ट वाले को प्लस लगा देते हैं, तो ये हमारा होता है कौन सा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये देखिए ये वाला रूल, ए इंटू बी इंटू सी और ए इंटू बी इंटू सी। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपका, इज 8/9, क्या 8/9 है मल्टीपल इनवर्स ऑफ -1/1 × 1/9 का है? तो आप इसको सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं -1/1 / 8, तो 8 × 1 = 8 और 1 = 9, -9/8 हो गया। अब ये क्या है, 8/9 का मल्टीपल इन्वर्स है, यस, क्योंकि आप इसका जब मल्टीपल इन्वर्स करोगे तो रिटर्न हो जाएगा 8/9, यानी कि प्रूफ हो गया, ठीक है, तो ये इन्वर्स है। अच्छा हाँ, एक और चीज़, आपका क्वेश्चन में दिया था 8/9 और आपका आ रहा है -8/9, तो इन्वर्स नहीं है ये, क्योंकि नेगेटिव साइन आ गया, इस वजह से नहीं है, ठीक है। क्लियर नहीं हुआ ना, डाउट है? देखिए जैसे क्या था, -1/1 = 8 था, तो 8 × 1 = 8 और 1 = 9 हो गया, यानी कि -9/8 हो गया। इसका मल्टीपल इन्वर्स निकालोगे तो रेसिप्रोकल कर देंगे, 8/9 आ जाएगा माइनस का, पर क्वेश्चन में गिवन है 8/9, तो 8/9 इज इक्वल टू -8/9 थोड़ी ना होता है, क्योंकि नेगेटिव साइन हो गया, इसलिए आंसर आएगा 9। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या कहता है, इज 0.3 द मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स ऑफ 3 × 1/3, वायर वाई नॉट। इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 × 1/3, 3 × 3 = 9 और 1 = 10, 10/3, ठीक है। इसको इन्वर्स करिए, इन्वर्स करेंगे तो आप क्या आएगा, 3/10, डिवाइड करोगे 0.3, यस, प्रूफ हो गया 0.3 आ रहा है, इसका मतलब इसका आंसर यस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10th है, द रैशनल नंबर डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, यानी कि द रैशनल नंबर डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, ऐसा नंबर बताओ जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है, तो वो कौन सी संख्या होती है, 0, क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल नहीं होगा। द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू द रेसिप्रोकल, अब 1 का रेसिप्रोकल करोगे तो भी 1 आएगा, -1 का रेसिप्रोकल करोगे तो भी 1 आएगा, ठीक है, -1। लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू द इट्स नेगेटिव, नेगेटिव के बराबर कौन सा होता है, वो 0 ही ऐसी संख्या है जिसका नेगेटिव पॉजिटिव सब बराबर होते हैं। 11th क्वेश्चन है, फिलअप 0 हैज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ, 0 किसी का रेसिप्रोकल होता है, नो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द नंबर एंड आर देयर ओन रेसिप्रोकल, कौन सा, 1 और -1, अभी हमने पढ़ा था। रेसिप्रोकल ऑफ -5 क्या आएगा, -5 का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा, नीचे 1 लगा सकते हैं, इसको पलट दो, 1/5 आ जाएगा। ओके, आगे है रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, 1/x का रेसिप्रोकल करोगे तो x आ जाएगा, x इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है इसी तरीके से, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज आ, जब 2 रैशनल नंबर को प्रोडक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो रैशनल नंबर ही आता है, ठीक है। रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जो p अपॉन q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, और q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए।
आगे है लास्ट, द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब जब नंबर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव थोड़ी ना जाएगा रेसिप्रोकल से। सपोज मैंने क्या दिया 1/3, तो इसका रिवर्स करोगे तो 3/1 ही तो आएगा। पॉजिटिव ये था, ये भी पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव थोड़ी ना हो जाएगा। ओके सो आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। तो ये हमारा 1.1 कंप्लीट होती है। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, और हम नेक्स्ट क्लास में 1.2 करेंगे। और बाकी की वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। इसी तरीके से 9th, 10th, 11th, 12th क्लास की भी वीडियोज़ अपलोड करी गई है, आप वो भी जा करके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय।